जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में आज हम भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने तीन वीडियो डाले हैं, उसमें संविधान क्या होता है, अनुसूची क्या होती है, भाग क्या होता है, और अनुच्छेद एक से लेकर चार तक की पूरी विस्तृत चर्चा की है। साथ में आज़ादी के बाद है ना, हमारे किस प्रकार से भारत में राज्य बनाए गए, किस प्रकार देसी रियासतों को मिलाया गया, उसमें कौन कौन शामिल थे, किस किस नेता थे, वो सब हमने देख लिया। उसमें उसमें क्या कौन कौन से नेता थे, उसमें थे सरदार पटेल है ना, इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। ये तीन लोगों ने मिलकर, मेनली सरदार पटेल का हिस्सा था उसमें, योगदान था, ये तीन लोगों ने मिलकर पूरे देसी रियासतों को भारत में मिलाने की अटूट कोशिश की। उसमें से तीन ऐसे रियासत थे जो नहीं मिलना चाहते थे, उसको ज़बरदस्ती या फिर किसी न किसी तरीके से मिलाया गया। वो कौन से थे, पहला थे आपके जूनागढ़, ठीक है, दूसरा थे आपके हैदराबाद, और तीसरा थे कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह मिलाया गया, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया, और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया, ठीक है। तो ये सब हम देख लिए थे उस समय। उसके बाद क्या हुआ, जब इन देसी रियासतों को मिलाया गया, उसके पास हमारे पास राज्य कैसे थे इस देश में, तो देश में है ना, इस भारत देश में राज्य तीन प्रकार के थे, तीन प्रकार के, सॉरी तीन बोलता हूँ, चार प्रकार के राज्य थे है ना, चार प्रकार के राज्य थे, चार प्रकार के राज्य थे। पहला बांटा गया था ई, दूसरा बांटा गया था बी में, तीसरा सी में और डी में, ठीक है। ए में उन राज्यों को रखा गया जिस पर अंग्रेज संपूर्ण राज्य करते थे, या जो अंग्रेज के अधीन थे है ना, वो ये अंग्रेज के अधीन थे, ठीक है। बी में उन राज्यों को रखा गया, या बी कैटेगरी में उस राज्यों को रखा गया जिसमें रियासतें थी है ना, जिसमें रियासतें थी। सी में उन राज्यों को शामिल किया गया जिसमें अंग्रेज अधिकारी के या फिर अंग्रेजों के कमिश्नर बैठा करते थे, अंग्रेजों के कमिश्नर बैठा करते थे। और डी में यूटी को रखा गया था, डी में यूटी को रखा गया था, ठीक है। डी में किसको रखा गया था, यूटी, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब इसमें आपको अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये पूछ सकता है कि ए में कितने राज्यों को रखा गया था, बी में कितने को रखा गया था, ये ठीक है। तो ए में रखा गया था 9 राज्यों को, बी में रखा गया था 9 राज्यों को, और कमिश्नरी स्टेट में रखा गया था 10 राज्यों को, और यूटीज में रखा गया था 1 को। यूटी आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केवल एक ही था जो यूटी में शामिल था, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए, अब हुआ क्या है कि उस समय ये राज्य इतना अच्छे से व्यवस्थित नहीं थे है ना, इतना अच्छे से व्यवस्थित नहीं थे। एक ही राज्य में अलग अलग जाति बोली के लोग रहते थे है ना। मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ, पहले देखिए यहाँ इमेज आपको देखना है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ इमेज को, ये देखिए, ठीक है। ये क्या हुआ था, देखिए इतने एरिया को पूरा मुंबई मुंबई माना गया था, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, इतने एरिया को है ना, इसको पूरा मुंबई बोला जाता था, मुंबई, ठीक है, इतने एरिया को बोला था। ये इतना एरिया आपका संयुक्त प्रांत का एरिया था। इस प्रकार अलग अलग हिस्से थे, ठीक है, जिसमें एक ही राज्य में अलग अलग शहर हुआ करते थे। एक ही राज्य में अलग अलग शहर को अलग अलग राज्यों का दर्जा दिया जाता था। तो हुआ क्या, उस समय ना साउथ से है ना, दक्षिण भारत से एक मांग उठने लगी। दक्षिण भारत से क्या मांग उठने लगी कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं, जैसे तेलंगाना की बात करता हूँ मैं है ना, जैसे मैं अगर तेलंगाना की बात करूँ, देखिए अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो यहाँ से देखिएगा, ये थे, ये देखिए, ये इतना आपको तेलंगाना वगैरह दिखते होगा है ना, ये हैदराबाद था, ठीक है, ये हैदराबाद था। और इस हैदराबाद में अनेक 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 अलग अलग बोल चाल के व्यक्ति रहते थे। इस तरह यहाँ अगर जाओ तो आप तेलुगु भाषी वाले, उससे ऊपर जाओ तो आपको मराठी मिलेंगे, इधर आओ तो कन्नड़ मिल जाएंगे, इधर तमिलियन मिल जाते थे। तो उस समय क्या मांग उठने लगी कि हम किस राज्य में रहते हैं, हमको ये पता नहीं चल पा रहा है, कि जैसी कुछ दूरी हम तय करते हैं हमारे ही राज्य में, तो लोग अलग अलग भाषा के अलग अलग लोग रहने वाले मिलते हैं है ना। तो वहाँ से मांग उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, हमें भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए, भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए, ठीक है।
भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए। ये मेनली साउथ से ही पहले बात उठी है ना, पूरे भारत में इस तरह की बातें नहीं उठ रही थी, केवल साउथ से ही इस तरीके की बातें उठ रही थी कि हमें भाषा के आधार पर एक अलग राज्य होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसका नाम होना चाहिए आंध्र प्रदेश। इस टाइप का भाषा के भाषा संबंधित मांग उठने लगी। अब इस मांग के लिए जब मांग उठने लगी, आंदोलन होने लगे, तब सरकार ने समितियों का गठन किया। तब सरकार ने समितियों का गठन किया, और समिति क्या है ये देखिएगा। तब सरकार ने समितियों का गठन किया। सबसे पहला समिति देखिएगा, ठीक है, सबसे पहला समिति बनाया एस के धर आयोग समिति। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, पता चल गया कि इसके पहले पृष्ठभूमि क्या थी। पूरे भारत में अलग अलग पूरे भारत को चार स्टेट में बांट दिया गया, चार स्टेट कैटेगरी में ए बी सी डी। अब उसमें एक ही राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले के लोग मिलने लगे। ठीक है, एक ही राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलने लगे। ठीक है, एक ही स्टेट में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलने लगे, तो साउथ से ये मांग उठने लगी कि हमको अलग राज्य मिलना चाहिए। तो इसके लिए शासन ने उस समय जो भारत सरकार थी उसने एस के धर आयोग समिति का गठन किया। ये एस के धर एक जज की क्या कमेटी थी, उन्होंने उनका एक कमेटी तैयार किया गया कि देखिए साउथ से ऐसा मांग उठ रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, तो इसके लिए एक समिति गठित की गई। अब इस समिति का वो पूछ सकता है डेट, है ना, इस समिति का डेट पूछ सकता है। तो डेट इस गठन डेट होगा 1948, है ना, दिसंबर इस सॉरी 1948 में, है ना, 1948 जून 1948 में, जून 1948 में इस समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? एस के धर की अध्यक्षता में। किसके लिए? भाषा के आधार पर हमें राज्य बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद इस समिति ने दिसंबर में, है ना, दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1948 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और उसमें साफ कह दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित नहीं होगा। तो क्या किया इसके धर समिति ने, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात को नकार दिया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में शासन को यही बताया कि भाषा के बजाय हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्य को बांट सकते हैं या फिर बांटना चाहिए। किसके आधार पर? प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हमको राज्य को बांटना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या आ सकता है कि इसके धर आयोग समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो भाषा आधारित राज्य गठन करने के संबंध में। दूसरा, इसका गठन हुआ था जून 1948 में, इन्होंने रिपोर्ट दिया 1948 में, कब? दिसंबर माह में। और इसका रिपोर्ट क्या था? एक था कि भाषा के आधार पर आप राज्य गठन नहीं कर सकते। सेकंड रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप चाहे तो राज्य का गठन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला समिति बन गया। इसके बाद इससे बात नहीं बनी फिर भी, है ना, इससे बात नहीं बनी और हमेशा मांग उठने लगी, है ना, इससे बात नहीं बनी और भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद एक और समिति का गठन किया गया, उसका नाम था JVP समिति। ठीक है, JVP समिति ने JVP समिति का गठन किया। इस समिति ने अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया। और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्य नहीं गठन करने का सुझाव दिया, है ना, कि आप भाषा के आधार पर राज्य को गठन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको औपचारिक रूप से इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसमें अब ये पूछा जा सकता है कि JVP में कौन से थे? तो जे से होता है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसमें आपके थे, नेहरू, जे नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू इसमें नेहरू थे। दूसरा थे पी, आपका होता है पटेल, है ना, इसमें हो जाएगा पटेल,
है ना, सरदार पटेल और पट्टाभि सीता रमैया, भी पट्टाभि सीता रमैया, ठीक है। ठीक है, ये हुआ आपके भाषा के आधार पर समिति। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दो समितियां बनी, जेवीपी समिति और धर आयोग समिति। इन दोनों समिति ने भाषा के आधार पर गठन करने की जो बात थी उसको नकार दिया। लेकिन क्या हुआ 1953 में, ठीक है, क्या हुआ 1953 में, कब 1953 में, ठीक है, 1953 में, 1953 में क्या हुआ, 1953 में पहला भाषा के आधार पर राज्य निर्माण किया गया। क्यों निर्माण किया गया, किसका, आंध्र प्रदेश का, किसका निर्माण किया गया, आंध्र प्रदेश का। अब क्यों ये समझिए, है ना, क्यों, क्योंकि जब दो समितियों ने मना कर दिया था, है ना, जीवीपी समिति है, धर आयोग समिति है, उन दोनों समिति ने मना कर दिया कि अब भाषा के आधार पर कोई भी राज्य गठन नहीं कर सकते, इससे अराजकता फैल सकती है या फिर ये उचित नहीं है, तो क्यों किया गया आखिर, क्यों, तो इसलिए क्योंकि पृथक आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर, है ना, पृथक आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर वह साउथ वाले लोग धरने पर बैठ गए, और इसके मुखिया का नाम था श्री रामलु पोट्टी, या फिर पोट्टी श्री रामलु, है ना, ये नाम था आपका पोट्टी श्री रामलु, पोट्टी श्री रामलु, ठीक है। ये हम ऐसे, ये आपके उसमें बैठ गए, हड़ताल में बैठ गए कि आपको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना ही होगा, ठीक है, ये घन गए। और ये 56 दिन तक भूख हड़ताल में थे, 56 दिन तक भूख हड़ताल में थे, और 56 दिन के बाद ये पोट्टी श्री रामलु श्री राम जी के पास पहुंच गए, है ना, श्री राम जी के पास पहुंच गए, श्री राम जी के पास पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि 56 दिन के भूख हड़ताल में श्री पोट्टी रामलु का निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया, श्री पोट्टी रामलु का 56 दिन में निधन हो गया। जैसे इनका निधन हुआ तो आंध्र प्रदेश में बहुत बहुत हड़तालें, दंगई या फिर चक्का जाम ये सब होने लगे, है ना, भारी असंतोष फैल गया, भारी असंतोष फैल गया। तो इस असंतोष को फैलने से रोकने के लिए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, उस समय वो पीएम थे, तो पंडित नेहरू ने क्या किया, आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य का दर्जा दे दिया भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहले इसका दर्जा उनको दे दिया, और सबसे पहले गठन होने वाले राज्य नाम है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था। कब हुआ था, 1953 में, ठीक है। क्यों क्यों गठन हुआ, जब दो समितियों ने मना कर दिया था तो क्यों गठन इसलिए हुआ, क्योंकि वहाँ के श्री रामलु पोट्टी थे वो 56 दिन तक भूख हड़ताल में बैठ गए, और 56 दिन के बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया, है ना, आकस्मिक निधन हो गया, उससे पूरे आंध्र प्रदेश में असंतोष फैल गया कि ये कैसे हुआ, है ना, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो अंग्रेज जमाने से भी बहुत खतरनाक है, हमारा जो नया मंत्री आया है, ये सब ऐसे इसी बातें फैला के पूरे असंतोष फैल गया। इस असंतोष को निपटने के लिए, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया भाषा के आधार पर, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि अब क्या हुआ, जैसे ही, है ना, जैसे ही साउथ में आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर, उसी प्रकार अन्य राज्य भी मांग करने लगे। अब अन्य राज्य कैसे मांग करने लगे, ये देखिएगा, अन्य राज्य कैसे मांग किए ये देखिएगा। यहाँ पे जैसे आपको पता था, है ना, आपको पता है कि अन्य राज्य कैसे मांग करें, ये देखिए, ये इतना जो पहले था ना, ये पूरा बम्बई था, तो इधर जो गुजरात वाले हैं ये अपना मांग करने लगे कि इधर जो आएंगे तब हमको मराठी बोलना पड़ता है, इधर गुजराती है तो हमको अलग से गुजरात बना के दो भाषा के आधार पर। मराठी वाले, महाराष्ट्र वाले अलग से बोलने लगे कि हमको महाराष्ट्र बना के अलग से दो जिसमें मराठी लोग रहें। उसी प्रकार इधर जो पंजाब थे वो भी लोग बोलने लगे कि सडहत इत्थे रख, ये हो गया। उसके बाद अलग अलग राज्य, चाहे साउथ हो या दक्षिण हो या यूपी हो, कोई भी साउथ हो, सभी जगह ये मांगे उठने लगी कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है, है ना, जब आप आंध्र प्रदेश को बना सकते हैं भाषा के आधार पर, तो हमें क्यों नहीं बना सकते, है ना, तो भारी असंतोष फैल गया, ठीक है। अब इससे निपटने के लिए क्या किया, इससे निपटने के लिए एक नए आयोग का गठन किया गया, उसे अब हम बोलते हैं फजल अली आयोग, उसे हम क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग गठन। अब देखते हैं ये फजल अली आयोग गठन क्या चीज़ है।
यह फजल अली आयोग गठन। ठीक है, अब देखिए फजल अली आयोग का गठन क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर, तो बाकी जो राज्य हैं चाहे वो साउथ हो, दक्षिण हो, उत्तर का हो, पूर्व का हो, जहाँ का भी हो, सभी राज्यों से मांग उठने लगा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर अलग राज्य की दर्जा दिया जाए। तो इस चीज़ को देखिए, कभी भी सरकार ना खुद से फैसला नहीं लेती, उसके लिए जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, है ना, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, खासकर जो जज लोग होते हैं, उनकी एक कमेटी बना दी जाती है, वो लोग कमेटी बनाते हैं और उसमें निर्णय होता है। ठीक है, तो वह एक कमेटी बना दी गई। कब बनाया गया? 1953 में ही एक कमेटी बना दी गई फजल अली आयोग के, फजल इसको, इसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, है ना, के एम पणिक्कर और एच एन कुजूर। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य। नाम पूछ सकता है, तो इसमें है तो आपके फजल, है ना, मैं इंग्लिश का लेटर लिख रहा हूँ, आप अगर साउंड आ जा रहा हो तो आप लिख लीजिएगा। इसमें थे फजल अली, के एम पणिक्कर, है ना, के एम पणिक्कर, और तीसरा थे इसमें एच एन कुजरू, है ना, एच एन कुजरू। ठीक है, एच एन कुजरू, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, और इस आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा, इस आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा किसको? शासन को। और इसमें कहा गया कि आप जो है भाषा के आधार पर तो राज्य बना सकते हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, लेकिन लेकिन उसमें कुछ कंडीशनें डाली गई। कंडीशन क्या रहा गया? कंडीशन ये रह गया कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, उस राज्य का भाषा नहीं जानता है, तो वहाँ उससे कोई परेशान नहीं करेगा, उससे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और वो व्यक्ति वहाँ रह सकता है, है ना, वो व्यक्ति वहाँ रह सकता है। ऐसा नहीं कि यदि आप महाराष्ट्र बना दिए तो वहाँ केवल और केवल मराठी रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, वहाँ कोई भी रह सकता है। केवल नाम से बनेगा, भाषा के आधार पर केवल नाम से ही राज्य बनेगा, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति वहाँ निवास कर सकता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको राज्य बनाने की सलाह फजल अली आयोग द्वारा किया गया। तो इस आयोग ने 16 राज्य बनाने की सलाह दिया था और 3 UT बनाने की सलाह दिया था। ठीक है, 16 राज्य और 3 UT बनाने की सलाह दिया था, लेकिन सरकार ने क्या किया, क्योंकि सरकार ने संविधान संशोधन करना पड़ता है किसी भी राज्य को, या राज्य को दर्जा देने के लिए या यूटी देने के लिए, तो शासन ने 14 राज्य बनाए, है ना, और 6 UTs बना दिए। शासन ने 14 राज्य बनाए और 6 UT बनाइए। चलिए अब देखते हैं ये 6 UT और राज्य क्या चीज़ है। ये देखिए, ये है हमारा, है ना, ये है, ये 1956 में फजल अली आयोग के बाद, है ना, फजल अली आयोग के बाद भाषा आधार पर गठन होने वाले और राज्य थे। इसमें से कौन सा है? देखिए, आपका ये आंध्र प्रदेश तो पहले बना था, उसके बाद असम बनाया गया, बिहार बनाया गया, बम्बई बनाया गया, जम्मू कश्मीर बना दिया गया, केरल बना दिया गया, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब राज्य बनाए गए। इसमें पहले क्या व्यवस्था थी? उसमें ABCD व्यवस्था थी ना, पहले हमने देखा था कि ABCD, है ना, इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ए में कौन सा राज्य रहेगा, बी में कौन सा राज्य रहेगा, लेकिन उस सब सिस्टम को ख़त्म करके टोटल 14 राज्य बनाए गए, है ना, उस सिस्टम को ख़त्म करके 14 राज्य बनाए गए और 6 UT बनाए गए, 6 UT बनाए गए। अब देखते हैं उस समय यूटी में कौन कौन सा था। तो अंडमान निकोबार यूटी था, ठीक है, दिल्ली यूटी था उस समय, कब? 1956 में। हिमाचल प्रदेश यूटी था, लकादीव, मिनिकाय, अमीनी, दीव समूह, है ना, ये भी आपके यूटी थे। मणिपुर और त्रिपुरा भी यूटी थे। देखिए, अभी आपको पता चलेगा कि अभी हम पांडिचेरी है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, ये फिलहाल अभी भारत के हिस्सा नहीं कहलाए थे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि ये भारत का हिस्सा कैसे बने, इसलिए वो यूटी में नहीं है। और जहाँ अभी मणिपुर है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, ये इन सबको यूटी से बाहर करके स्वतंत्र राज्य बनाया गया समय समय पर, है ना, इसको हम अभी क्रमवार देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि 1956 में, है ना, 14 आपके राज्य थे और 6 आपके यूटीज थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे राज्यों का गठन कैसे हुआ।
अब देखते हैं 1956 के बाद बनाए गए राज्य, वो 1956 तक बनाए गए थे है ना, जिसमें 1400 राज्य थे और 6 यूटी थे। अब 56 के बाद कौन कौन से राज्य बनाए गए ये देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात कब बनाए गए? महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में बनाया गया, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में बनाया गया, 1960 में बनाया गया, किससे? बम्बई से अलग करके, बम्बई से अलग करके, ठीक है, बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया, क्योंकि इसमें दो भाषी राज्य एक साथ हो गए थे, है ना। जब इसको भाषा के आधार पर बनाया गया था तो इसमें दो भाषी राज्य एक साथ हो गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात को एक साथ मिला दिया गया था बम्बई में, तो दोनों एक साथ हो गए थे, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। क्या हुआ, 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को दो पृथक राज्य में विभक्त कर दिया गया, महाराष्ट्र को मराठी के लिए, है ना, महाराष्ट्र को इसके मराठी के लिए, ये मराठी के लिए, और गुजरात को गुजराती के लिए, गुजरात को गुजराती के लिए, गुजरात को गुजराती के लिए एक अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है। इस प्रकार गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना, इस प्रकार 15वां राज्य बना। अब 15वां कैसे, पहले एक था बम्बई स्वयं, है ना, तो बम्बई से ही काटकर गुजरात बनाया गया, बम्बई से ही काटकर गुजरात बना गया, और बम्बई का नाम रख दिया गया महाराष्ट्र, ठीक है, बम्बई का नाम रख दिया महाराष्ट्र। तो इस प्रकार ये जो गुजरात था ये हमारा 15वां राज्य बना, ठीक है, 15वां राज्य बना गुजरात। आगे और कौन से राज्य बने, आगे हमारे बने दादर और नागर हवेली। देखिए इस समय हमारे ये दादर और नागर हवेली बने कैसे, या फिर इसकी स्थापना किया गया, इसको जीता गया, ये देखिएगा। दादर और नागर हवेली बना 1961 में, 1961 में कैसे बना देखिएगा, ठीक है, सॉरी 1954 है, सॉरी 1954 में स्वतंत्र, 1961 बना गया है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लीजिए कि 1954 में इसके स्वतंत्र होने से यहाँ पुर्तगाल शासन करता था, है ना। जब भारत अलग हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ 1954 में, है ना, 1954 में यहाँ पुर्तगाल यहाँ पे शासन करते थे। 1961 में यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था 1900 तक। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1961 को इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो ये 10वें संविधान संशोधन में इसको भारत में मिला दिया गया, ठीक है। ये है दादर और नागर हवेली 1961 में हमारे भारत के हिस्सा बने। अगला है गोवा दमन और दीव। गोवा दमन और दीव ये भी 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से ही इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। देखिए अब आपको ना इसको कब अधिग्रहित किया गया, 1961 में। अब आपको पता चलेगा कि हम जो आर्टिकल 1 पढ़े थे उसमें लिखा था कि इस राज्य के क्षेत्र में, है ना, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो पहले राज्य का क्षेत्र बताया गया था, फिर यूटी से क्षेत्र बताया गया था, और लास्ट तीसरे पॉइंट में बताया दिया गया था यदि संसद भविष्य में कोई क्षेत्र अर्जित करती है या स्थापना करती है या अपने में मिला लेती है तो वो भी इस संघ के क्षेत्र में आएंगे। ये हो गया। और आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया था कि यदि संसद चाहे, है ना, तो कोई भी क्षेत्र अर्जित कर सकती है या उसको अपने में मिला सकती है या फिर स्थापना कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर दो के अनुसार इसको मिला लिया गया, गोवा और दमन द्वीप को। इसमें कुछ डिटेल पढ़ लीजिए कि 1962 में ना, 1962 द्वारा इस संघ को शासित में स्थापित किया गया 1962 में, ठीक है। 1961 में तो आपकी पुलिस की कार्रवाई हुई थी, पुलिस कार्रवाई हुई थी, और 1962 में, ठीक है, 1962 में इन्हें हमारे संघ क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, ठीक है। बाद में गोवा को क्या किया गया, एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। लेकिन जब 1962 में हमने इसको अपने संघ में मिलाया था तो इसको यूटी के रूप में मिलाया था, ठीक है, यूटी के रूप में इसको मिलाया गया था। बाद में 1987 जब आएगा ना, 1987 कब, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था कब, 1987 को, ठीक है। अब अगला हमारा राज्य है पुदुचेरी। पुदुचेरी पांडिचेरी का क्षेत्र पूर्व में फ्रांसीसी का गठन था, पुदुचेरी में सबसे पहले फ्रांसीस लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय ये हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, ये भी उस समय यहाँ के फ्रांसीसी लोग ने गठन किया थे, या फ्रांसीस लोग यहाँ पे अपना कार्यकाल करते थे, अपना
शासन चलाते थे। उस समय क्या हुआ, जिसे भारत में पुडुचेरी काराकाइल माहे यमन के रूप में जाना जाता था, जिसे भारत में पुडुचेरी काराकाइल माहे और यमन के नाम में जाना जाता था, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। ठीक है, 1954 में भारत को सुपुर्द कर दिया। इसी तरह 1962 में, है ना, क्या हुआ, फ्रांस ने इसको कब भारत को दे दिया, तो 1954 में ही इसने भारत को दे दिया था। किसने, फ्रांस ने इसको कब दे दिया, 1954 में। लेकिन उसके बाद 1962 में इसको एक 1962 तक भारत शासन 1965 तक जो भारत शासन इसको अधिग्रहित क्षेत्र की तरह यूज़ कर रहा था। ठीक है, 1965 के तक भारत जो है इसको अधिग्रहित क्षेत्र की तरह यूज़ करता था। अधिग्रहित क्षेत्र मतलब इसको अधिग्रहण किया गया, बाद में इसको अपने भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो इसमें 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फ्रांस पुदुचेरी को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या पढ़ा हमने इसमें, सबसे पहले पांडिचेरी को किस किस नाम जाना था, पुडुचेरी काराकाइल माहे और यमन। 1954 में फ्रांसिस लोग गए तो इसको भारत को दे दिए, लोग भाई अपना भारत, अपना इस राज्य को भी अपने में मिला लो। तो 1962 तक भारत ने इन्हें अधिग्रहित राज्य की तरह यहाँ पे शासन किया। उसके बाद फाइनली 14वें संविधान संशोधन किया गया और इसको भारत में पूर्णतः मिला लिया गया। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी संघ, है ना, कोई भी क्षेत्र को यदि भारत अपने में मिलाता है तो हमेशा आपको हमेशा इन्हें संविधान संशोधन करके ही मिलाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कौन कौन सा। अब उसके बाद है नागालैंड। देखिए, नागालैंड भी उस समय हमारा क्षेत्र नहीं था, नागालैंड भी है उस समय हमारा क्षेत्र नहीं था। तो देखिए, इसकी कहानी सुनिए कि 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्र में मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था, तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के दर्जा दिया गया, है ना, का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम राज्यपाल नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो नागा पहाड़ियों, है ना, वहाँ एक नागा पहाड़ी थी और असम के बाहर कुछ क्षेत्र थे, उन्हें मिला लिया गया कब, 1963 को। ठीक है, 1963 को नागालैंड को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। इसको शॉर्टकट में पेप्सू बोलते थे, पेप्सू। पंजाब ईस्ट पटियाला, ठीक है, पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला यूनियन, ठीक है, इसको हम पेप्सू बोलते थे। ये बहुत बड़ा राज्य था, है ना, पेप्सू जो है बहुत बड़ा राज्य था। एक बात आपको किसी इमेज में दिखाता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा राज्य था पंजाब वाला। ये देखिएगा, ये इतना बड़ा राज्य था ये पंजाब वाला। ठीक है, इतना बड़ा राज्य था ये पंजाब वाला। इसको बोलते थे पटियाला, पेप्सू को पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, इसको बोला जाता था पेप्सू। इसी को तोड़कर नए 3-4 राज्य बनाए गए। अब देखते हैं वो नए 3-4 राज्य क्या थे। इसी को तोड़कर नए तीन चार राज्य बनाए गए। अब इस बड़े राज्य को बनाने के लिए, देखिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, है ना, इसके लिए एक समिति का गठन किया और समिति का नाम था शाह आयोग। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए एक शाह आयोग का गठन किया गया। अब पूरा पढ़ते हैं इसको कि 1966 में ना पंजाब राज्य के भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। किसके सलाह से, तो शाह आयोग के सलाह से। इसमें अलग अलग जाति के लिए अलग अलग राज्य क्षेत्र बनाए गए। ये कब हुआ, देखिए, अब ये हुआ था आपका 1968 में। ठीक है, ये हुआ था 1968 में ये बना था। अब देखिए, इसमें क्या किया गया, एक पहाड़ी क्षेत्र था, है ना, पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ी क्षेत्र को क्या बना दिया गया, पहाड़ी क्षेत्र को बना दिया गया हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश बना गया। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल बना दिया, और जहाँ पंजाबी बोली जाती थी, है ना, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसको बना दिया गया पंजाब। ठीक है, पंजाब बना दिया गया, और जहाँ हिंदी बोली जाती थी, है ना, इसको बना दिया गया हरियाणा। जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसको बना दिया गया हरियाणा।
ठीक है, हिंदी बोली जाती थी, इसको बना दिया गया हरियाणा। और एक विवादित क्षेत्र था, है ना, विवादित क्षेत्र था चंडीगढ़, इसको बना दिया गया यूटी, ठीक है, इसको बना दिया गया यूटी, इसको बना दिया गया यूटी, इसको बना दिया गया था यूटी। तो ये आपका कब बना, ये हबर 1968 में ये सब बनाए गए। अगला क्या है, मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय का भी गठन 1956 के बाद किया गया। 1956 के बाद आपको पता है कि मणिपुर और त्रिपुरा जो है यूटीज में थे, है ना, मणिपुर और जो त्रिपुरा थे आपकी यूटीज में थे, तो इसको यूटी से हटाकर तीन राज्य अलग अलग बना दिए गए। एक बनाया गया मणिपुर, दूसरा बनाया गया त्रिपुरा और तीसरा बनाया गया मेघालय, ठीक है, तीसरा बनाया गया मेघालय। तो मेघालय को कब बनाया गया, 1969 में बना दिया गया मेघालय को, और उससे पहले बना दिया गया था 1972 में, मेघालय को 1972 में बना दिया गया था, ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि मणिपुर और त्रिपुरा पहले यूटीज थे, बाद में उसको पूर्ण एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया और मेघालय को 1969 में बना दिया गया। और यूटीज में आपको देखेंगे तो ये आपका 1972 आता है, ठीक है। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम के बारे में आपको पता है, जब मैं असम आर्टिकल पढ़ा रहा था, आर्टिकल 2 पढ़ा रहे थे, उसमें बताया था सिक्किम को कब भारत में मिलाया गया। सिक्किम पहले हमारा भारत का हिस्सा नहीं था, वो किसी और प्रांत का हिस्सा था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हो गए थे, वो लोग भारत में मिलना चाहते थे, है ना, भारत मिलना चाहते थे, इसलिए उनकी सिक्किम को उसके इच्छा के अनुसार, है ना, सिक्किम को हमने ज़बरदस्ती भारत में नहीं मिलाया, सिक्किम को उसके इच्छा अनुसार हमको मिलाया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया, पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या किया, एक साल तक, है ना, सिक्किम राज्य बनकर रहा हमारे पास, सिक्किम जो है हमारे पास राज्य बनकर रहा, हमसे मिला जुड़ा, हमसे मतलब भारत देश से मिला जुड़ा, और उनको अच्छा लगा। तो 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया भारत में, ठीक है। 1900 ये कब हुआ, 1975 में, है ना, 1975 में, 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इसके लिए 22वां संविधान संशोधन किया गया, इसके लिए 22वां संविधान संशोधन के पहले बनाया गया था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसी प्रकार है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, है ना, पहले पढ़ा था कि ये पहले यूटीज थे, है ना, बाद में ये 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया गोवा को। ठीक है, तो ये रहा हमारा। और लास्ट में हम पढ़ते हैं कि कौन, अब लास्ट में आपका आता है छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया था, ये है आपके 2000 की बात का, है ना, ये सन 2000 में ये सब बातें हुई थी 2000 में। तो सीजी को अलग किया गया था एमपी से, झारखंड उत्तराखंड को अलग किया गया था यूपी से, और झारखंड को अलग किया गया था बिहार से, है ना, झारखंड को अलग किया गया था बिहार से, ये 2000 में बना था। इसमें क्या किया गया था, आर्टिकल नंबर तीन का उपयोग करके संसद ने ये सब काम किया था। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद चाहे तो भारत के किसी हिस्से को, जो अभी भारत में वर्तमान राज्य है, उसमें तोड़ मरोड़ कर कुछ नया राज्य बना सकता है, है ना, या जितने भी राज्य चाहे संसद बना सकता है, ये कहा गया था। तो ये हुआ था 2000 में। उसके बाद तेलंगाना बना 2014 में, तेलंगाना बना 2014 में, इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आपको सब पता है, ये तो 2019 में बनाया गया था। जम्मू कश्मीर एक पहला राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उसके बाद इन दोनों को यूटी बना दिया गया, यूटी। तो दो नाम क्या क्या आए, पहला यूटी आपका बना जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना आपका लद्दाख, दूसरा बना आपका लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ था जिसमें लद्दाख भी शामिल था,
ठीक है, जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसमें लद्दाख भी शामिल था, लेकिन 2019 में है ना, 2019 में इसे तोड़कर दो यूटीज़ बना दिए गए, इसको दो यूटीज़ बना दिए गए। अब इसके बाद देखते हैं कि फाइनली हमारे पास कितने स्टेट आ गए हैं। ये देखिए उतने स्टेट हैं वर्तमान में हमारे पास, इतने स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब यूटी क्या क्या हैं देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली है, दमन उसमें दिल्ली है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है और पांडिचेरी है। इस प्रकार हमारे 8 यूटीज़ हैं वर्तमान में और 28 राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आता है कि कब कब किस राज्य का नाम चेंज किया गया है ना, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल नंबर 3 में पावर दिया गया है संसद को, यदि वो चाहे तो आवश्यकता अनुसार राज्यों का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने पुराना नाम लिखा है, फिर अब का नाम लिखा है, ठीक है। तो पहले संयुक्त प्रांत था, किसका नाम, यूपी का सबसे पहले नाम था संयुक्त प्रांत, वो 1950 में इसका चेंज किया गया और इसको रख दिया गया उत्तर प्रदेश। मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रख दिया गया, मद्रास का नाम चेंज करके, जिसको अब आज हम तमिलनाडु कहते हैं, वो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, ये 1969 की बात है। मैसूर को पहले कर्नाटक कहा जाता था, पुराना नाम मैसूर था, अब उसको कर्नाटक कहा जाता है। पांडिचेरी का नाम चेंज किया गया और उसको रखा गया पुडुचेरी, ये 2006 की बात है, ठीक है, ये 2006 की बात है। उसके बाद लकादीव मिनिका एम अमीन दीव, इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप, ठीक है। दिल्ली को एनसीआर दिल्ली रखा गया, कितने किस वर्ष में, तो 1991 में इसका नाम चेंज किया एनसीआर दिल्ली। उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल, उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल, 2006 में इसका भी नाम चेंज किया गया। उड़ीसा को 2011 में ओडिशा कर दिया गया। तो ये थे हमारे पुराने नाम। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए, यदि चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें नाम चेंज करने का सबसे प्रथम अधिकार है हमारे संसद को, इसके लिए उस राज्य को पूछे या ना पूछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।